कामयाबी के सफर में मुश्किलें आएंगी ही, परेशानियां दिखाकर तुमको तो डराएंगी ही। चलते रहना कि कदम रुकने ना पाए, और मंजिल तो मंजिल ही है, एक दिन आएगी ही। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। मुझे आज किसी और से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से बेहतर बनना है। इस दुनिया की हर चीज सस्ती है मेरे भाई, बस तुम मेहनत थोड़ी ज्यादा करो। कोई भी सपना अपनी औकात के हिसाब से मत देखो, ऊपर वाले की औकात के हिसाब से देखो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकता इस दुनिया में। आपको कोई नहीं समझेगा यहाँ, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बजर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। उठो, मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए तुम्हें ना किसी इजाजत की जरूरत है और ना किसी सिफारिश की। अरे खुद के अस्तित्व को बनाने में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन एक बार अस्तित्व बन जाने के बाद रूप देखने लायक होता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। सेल्फ को बढ़ाओ, रिस्पेक्ट को बढ़ाओ, बहस मत करो, एक्शन लो। दूसरों के सामने स्मार्ट मत बनो, किसी पर डिपेंड मत रहो। सबसे अपने सीक्रेट्स छुपाओ, किसी पर ट्रस्ट मत करो, टाइम की रिस्पेक्ट करो। सफल होने के 7 भेद हैं। घड़ी ने कहा हर मिनट कीमती है, शीशे ने कहा कुछ करने से पहले अपने अंदर झांक लो, खिड़की ने कहा दुनिया देख लो, कैलेंडर ने कहा अप टू डेट रहो, दरवाजे ने कहा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगाओ, पंखे ने कहा ठंडे रहो, अरे छात ने कहा ऊंचे उद्देश्य रखो। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। हर घंटे 45 मिनट पढ़ो और 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और पढ़ाई को कभी कल पर मत टालो। केवल इसीलिए मत पढ़ो कि परीक्षा के लिए याद करना है, बल्कि इसीलिए भी पढ़ो कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वक्त पढ़ते वक्त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या फिर ऐसा कुछ जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है उसे अपने कमरे से बाहर रखो। आप अपनी इमेजिनेशन स्किल से विषय को गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, इंसानियत तय करती है। सबसे बड़ा बादशाह कौन है दुनिया में? सबसे बादशाह बड़ा जो बादशाह है वो है वक्त। वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊंगा। मुझे खुद नहीं पता है कि जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। लाइफ में जो भी होता है ना, वो किसी वजह से होता है। या तो वो अपने आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वो भी आएगा कि वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या? और कर ले आज खुद पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में, पाने वाले को नाच और खोने वाले को अफसोस रहे। हारेंगे नहीं दोस्त, 1000 बार टूटेंगे लेकिन फिर से जी उठेंगे। इस ना उम्मीदी भरी दुनिया में हम उम्मीद की लौ जिंदा रखेंगे। दिखाएंगे इस दुनिया को कि देखें हम जिद्दी लोग फिर से आ गए। देखो इस दुनिया में हम जिद्दी लोग फिर से जमाने में छा गए। हारेंगे नहीं दोस्त, हारेंगे नहीं। तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता। तो इससे घबराना नहीं है, कभी कभी ताले की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। होना एक दिन सबका हिसाब है, जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। जब ज्यादा अपनों से रिश्ते टूटने लगे तो समझ लेना कामयाबी इंतजार कर रही है। पहली चीज, जब दुख आ रहा है तो डिप्रेशन मत ना जाओ, क्योंकि आप जानते हो ये भी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, कल फिर ठीक हो जाएगा। खुशी आ रही है तो घमंड मत करो, ये भी निकल जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा आदमी हमेशा अच्छा ही रहता है। शेर कितना भी भूखा हो घास नहीं खाएगा, चंदन की लकड़ी जल भी जाए तो भी खुशबू देगी। एक अच्छे दोस्त
लाखों रिश्तेदार से बेहतर हैं। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिसे आप जब चाहें कॉल कर सकें, मैसेज कर सकें, सलाह मशवरा ले सकें, सुख दुख बांट सकें, डांट सकें, लड़ सकें, कंधे पर सिर रखकर रो सकें, खुलकर हंस सकें, घूम सकें, जब चाहें मिल सकें, बेझिझक होकर निसंकोच सब कुछ उसे बता सकें, बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा। अगर ऐसा दोस्त आपके पास है तो वाकई आप दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हैं। हो सके तो किसी के अच्छे दोस्त बनिए, किसी को सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग अकेलेपन के अवसाद से ग्रसित हैं। आए दिन आत्महत्याएं होती हैं, कभी सोचा है क्यों? क्योंकि इनके पास सुनने वाला या सुनाने वाले तो बहुत हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर, उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। सफल होने के साथ भेद हैं, घड़ी ने कहा हर मिनट कीमती है, शीशे ने कहा कुछ करने से पहले अपने अंदर झांक लो, खिड़की ने कहा दुनिया देखो, कैलेंडर ने कहा अप टू डेट रहो, दरवाजे ने कहा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगाओ, पंखे ने कहा ठंडे रहो, अरे छात ने कहा ऊंचे उद्देश्य रखो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर के काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जीवन में दो तरह के लोग आपके साथ हमेशा होने चाहिए, एक कृष्ण जैसे जो आपके लिए ना भी लड़े तब भी आपकी जीत पक्की कर दें, और दूसरे कर्ण जैसे जो आपके लिए तब भी लड़े जब आपकी हार सामने दिख रही हो।